गांधीनगर क्षेत्र में तेंदुए की मूवमेंट के बाद लगातार वन विभाग की रेस्क्यू टीम उसकी सर्चिंग को लेकर दिन रात डटी हुई है। रात में भी थर्मल ड्रोन की मदद से तेंदुए का पता लगाया जा रहा है। वहीं अलग अलग स्थान में पिंजरा लगाकर उसे रेस्क्यू करने का प्रयास भी किया जा रहा है। दरअसल पिछले 15 दिनों से गांधीनगर क्षेत्र में तेंदुआ होने की सूचना अलग अलग स्थान से वन विभाग को मिल रही है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर तेंदुए की सर्चिंग कर रही है, किंतु अभी तक तेंदुआ होने की पुष्टि नहीं हो पाई। DFO महेंद्र सिंह सोलंकी ने तेंदुए की रेस्क्यू को लेकर 3 दल गठित किए हैं जो लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। मंगलवार को भी एक गाय को घायल करने की सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू दल ने पूरी रात तेंदुए की सर्चिंग की, जिसमें गोमटगिरी, पितृ पर्वत, नया बसेरा, इन्फोसिस और नैनो क्षेत्र है। कुछ स्थानों पर पग मार्ग भी मिले, लेकिन जब उसकी जांच की गई तो वह हाइना के निकले। इंदौर वन मंडल DFO के अनुसार भोपाल वाइल्ड लाइफ से भी तेंदुए की सर्चिंग को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया है। फिलहाल 25 ट्रैप कैमरे संभावित क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं, वहीं थर्मल ड्रोन से भी तेंदुए का पता लगाया जा रहा है। थर्मल ड्रोन ट्रे मतलब जो सर्चिंग की गई थी आज नहीं की गई, पिछले मेरे 3 दिन से लगातार चल रही है। रात को मैं खुद ही था और पिछले 2 उसमें सर्चिंग में मैं खुद गया था। रात की सर्चिंग हमने घूमटगिरी, पित्त पर्वत, नैनोद, इंफोसिस और नया बसेरा, ये 5-7 स्थानों पर करी। हमें कुछ भी देखने को उसमें नहीं मिला। अब हमने 4 कैमरे भी वो केज लगवाए थे हमारा, फिर कैमरा ट्रैप भी लगाए थे, उसका भी एनालिसिस कर लिया है। केज में भी अभी कोई भी वन्य प्राणी नहीं आया उसमें, और न कैमरा ट्रैप में कोई फोटोग्राफ्स है। अभी मैंने वाइल्ड लाइफ वालों से बात करी भोपाल, उनको मैंने पूरा वहाँ की सिचुएशन बताई कि इस टाइप का इलाका है, तो आप हमें वो फाइंड आउट कर दीजिए कि उसकी संभावनाएँ, प्रबल संभावनाएँ कहाँ कहाँ हो सकती है। तो वो मुझे अभी उनकी एक योजना बना के दे रहे हैं। वो उनकी योजना और मेरी योजना के मुताबिक आज मेरे पास टोटल 25 कैमरा ट्रैप हैं और 4 केज हैं। तो मैं 25 कैमरा ट्रैप को पूरा उस एरिया में लगाऊंगा, ताकि कहीं ना कहीं तो वो ट्रेस हो जाए, तो हमें ये पुख्ता हो जाए कि ये इस इलाके में वास्तव में मूवमेंट कर रहा है। वो गाय को घायल किया था, तो उससे आइडेंटिफाई तो ये हुआ कि ये वन्य प्राणी ने ही मारा है। वो वेटनरी वाला डॉक्टर साहब से बात करी, हम लोगों का भी एक अनुभव है कि उस आधार पे वो उसको मारा है वन्य प्राणी ने ही मारा है। अग्नि एजेंसी क्या थर्मल ड्रोन एक ऐसी हमारे पास इक्विपमेंट्स है, वो भी हमने हायर किया प्रेस्टिज कॉलेज से। वो ऐसा इक्विपमेंट्स है कि रात में वन्य प्राणी के टेम्परेचर्स को वो कैप्चर कर लेता है। जैसे हमारे शरीर का अगर हम एक्सरे करवाते हैं तो वैसे एक्सरे हो जाता है, ट्री अलग दिखेंगे और वाइल्ड लाइफ अलग दिखेगी या वन्य प्राणी अलग दिखेगा। इवन देन हम 30 से 40 मीटर हाइट पे ड्रोन को उड़ाते हैं और कम से कम एक बार में 10 से 15 हेक्टेयर को कवर कर लेते हैं। तो आप बारीक से बारीक चीज़ें देख सकते हो और क्लियर हो जाता है वो। तो जब तेंदुआ जाता है, जैसे हमारा CT स्कैन वो एक्सरे होता है, वैसे स्पष्ट सब दिख जाता है। अभी रिसेंट में बता दूँ, सुबह की मॉर्निंग की न्यूज़ है, एक किसान ने देखा था, मेरी रेस्क्यू टीम तत्काल वहाँ पहुँची। वहाँ जब उनने पगमार को देखा तो हमारी रेस्क्यू टीम में एक्सपर्ट लोग भी हैं, उनने उसको उसके पगमार को देखा तो वहाँ उनको लकड़बग्गा हाइना के पगमार्क दिखे। फिर उस किसान से बात करी, उनको बुलवाया, तो मेरे पास फोटोग्राफ से भी अलग। उस किसान को जब उनने दिखाया कि भैया ये तेंदुआ गूगल पे दिखाया मोबाइल से, ये देखा था आपने, तो बोले नहीं ये नहीं देखा। फिर उसके बाद हाइना दिखाया कि भाई ये देखा, तो उसने 100% बोले यही देखा मैंने। तो वास्तव में ये अपने नैनो क्षेत्र में है, गांधीनगर में, गोमटगिरी में, पित्त पर्वत के आसपास अच्छा जंगल है, तो हाइना तो उसको कोई मना ही नहीं कर सकता, हाइना अपने क्षेत्र में है, तो वो आदमी को नुकसान नहीं पहुँचाता।